उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करना सबसे शक्तिशाली सलाह है जो आप किसी को दे रहे हो। आज हम ये कोट और ऐसे ही कई सारे कोट देने वाली एक महान पर्सनालिटी के बारे में जानने वाले हैं, जिनका नाम है एन आर नारायण मूर्ति जी। आप में से कई सारे लोग इन्हें नारायण मूर्ति जी के नाम से भी जानते होंगे। और आपको मैं नारायण मूर्ति जी के बारे में बताऊं तो उन्होंने जो आईटी सेक्टर में अपनी सेवा है दी है, उसके लिए उन्हें फादर ऑफ इंडियन आईटी सेक्टर भी कहा जाता है। और नारायण मूर्ति जी वही पर्सन है जिन्होंने भारत को उनकी दूसरी सबसे बड़ी कंपनी इंफोसिस दी है। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ इंफोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति जी की। और हाँ, इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी आदत बताने वाला हूँ जो हमें नारायण मूर्ति जी से सीखनी चाहिए और अपने जीवन में उतारनी चाहिए। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, नागवार रामाराव नारायण मूर्ति जी का जन्म 20 अगस्त 1946 को मैसूर के एक छोटे से गांव सिद्धलागतापुरम में हुआ था। उनके पिताजी पेशे से एक टीचर थे और उनकी फैमिली में वो 8 भाई-बहन थे जिनमें उनका नंबर 5th आता है। नारायण मूर्ति जी ने अपनी स्टार्टिंग की पढ़ाई अपने होम टाउन से की और फिर आगे की पढ़ाई के लिए वो मैसूर में स्थित NIE यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में गए और वहां से 1967 में उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। 1967 में अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करने के बाद उनका सिलेक्शन IIT कानपुर में हो गया था। लेकिन ये बात जब उन्होंने अपने पिताजी को बताई तो उनके पिताजी ने कहा कि देखो बेटा, मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें IIT में पढ़ा सकूं और मेरे ऊपर काफी सारी और भी जिम्मेदारियां हैं। अगर तुम्हें IIT में पढ़ना है तो तुम्हें अपनी फीस खुद ही जुटानी पड़ेगी। दरअसल 12th के बाद भी उनका सिलेक्शन IIT कानपुर में हो गया था, लेकिन अपनी घर की फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए उन्होंने NIE मैसूर से ही अपना ग्रेजुएशन करना सही समझा और इस बार कैसे भी करके उन्हें IIT कानपुर में जाना ही था। इसीलिए जैसे तैसे करके उन्होंने अपनी फीस जुटा ली और भर दी। IIT कानपुर में जाने के बाद नारायण मूर्ति जी की मुलाकात डॉक्टर कृष्ण मूर्ति जी से हुई, जिन्होंने IIT में पढ़ने के लिए आगे नारायण मूर्ति जी को काफी फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया था। IIT कानपुर में उनकी लाइफ में ऐसा एक टर्निंग पॉइंट आने वाला था जिसकी वजह से हम उन्हें आज IT सेक्टर के पिता के रूप में जानते हैं। दरअसल उस समय IIT कानपुर में काफी सारे सेमिनार्स हुआ करते थे अलग अलग फैकल्टी के बारे में। उन्हीं में से एक सेमिनार था IT के ऊपर और नसीब से इस सेमिनार में नारायण मूर्ति जी भी थे। उन्होंने वहां देखा कि कैसे आने वाले सालों में मानवी कंप्यूटर के ऊपर निर्भर होने वाला है और आने वाले समय में IT सेक्टर बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर सकता है। ये सब उन्हें समझ आया तो उन्होंने तुरंत ही अपने सब्जेक्ट्स चेंज किए और कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले लिया। 1969 में उन्होंने कंप्यूटर साइंस में अपने मास्टर्स की डिग्री हासिल की। 1969 में IIT कानपुर से अपनी कंप्यूटर साइंस की डिग्री पूरी करने के बाद उनकी पहली जॉब IIM अहमदाबाद में थी। यहाँ पे वो चीफ सिस्टम प्रोग्रामर की जॉब करते थे और कई सारे इंटरव्यूज में मिस्टर एन आर नारायण मूर्ति जी ने बताया है कि IIM अहमदाबाद में जॉब करना मेरी सबसे अच्छी डिसीजंस में से एक है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बहुत कुछ सीखा था और ये सीख उन्हें आगे जब उन्होंने इंफोसिस शुरू की तब उन्हें ये सीख बहुत काम आई थी। और यहाँ पे उन्होंने 2 साल काम किया और यहाँ पे फिर वो काम छोड़ के अपनी आगे की जॉब के लिए वो पेरिस चले गए। श्री एन आर मूर्ति जी ने 1971 से 1973 तक यानी कि 2 साल पेरिस में काम किया और काफी सारी चीजों को सीखा और फिर उन्होंने ये जॉब भी छोड़ दी और उन्होंने 11 महीने पूरी दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में ट्रैवल किया, बहुत कुछ सीखा और खुद को समझा। यहाँ पे ही उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा और खुद का कुछ बड़ा करूंगा। जब वो अलग अलग कंट्रीज में
ट्रैवल करके इंडिया आए, तब उन्होंने खुद की कंपनी सॉफ्ट्रॉनिक्स नाम से शुरू की और 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर ही ये कंपनी फेल हो गई। उनको पता चला कि जो वो प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में लाए हैं उसकी नीड अभी इंडियन मार्केट में है ही नहीं, और अपनी इस गलती से उन्होंने सीखना ही सही समझा और अपनी कंपनी को बंद कर दिया। कंपनी बंद करने के बाद श्री एनआर मूर्ति जी के ऊपर वो प्रेशर था जो आजकल हर मिडिल क्लास लड़के पे होता है कि जल्दी से जल्दी सेटल हो जाओ, क्योंकि अब तक उनकी लाइफ में उनकी बेटर हाफ सुधा मूर्ति जी आ चुकी हैं। और मैं आपको बता दूं, सुधा मूर्ति जी ने कई इंटरव्यूज में बताया है कि नारायण मूर्ति जी के ऊपर मैंने स्टार्टिंग के टाइम पे बहुत खर्चे किए हैं। दरअसल सुधा मूर्ति जी उन्हें उनके स्ट्रगल के टाइम पे मिली थी। इवन जब वो लोग डेट पे जाते थे या कहीं घूमने जाते थे तो वहाँ का खर्चा भी सुधा मूर्ति जी ही उठाया करती थी। मैं आपको एक बात बता दूं कि सुधा मूर्ति जी एक बहुत ही अमीर खानदान से ताल्लुकात रखती थी, और तो और वो पहली ऐसी इंडियन लेडी इंजीनियर थी जिन्होंने उस समय की टेल्को यानी कि आज की टाटा मोटर्स में जॉब की थी, और वो बहुत जल्दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो गई थी। अब फिर नारायण मूर्ति जी की बात करें तो उन्होंने पाटनी कंप्यूटर सिस्टम्स पुणे में जॉब करना शुरू किया, और यहाँ पे ही उनको उनके वो 6 साथी मिले जिनके साथ मिलकर आगे चलकर उन्होंने इंफोसिस को फाउंड किया था। 1981 में नारायण मूर्ति जी ने अपनी बेटर हाफ सुधा मूर्ति जी से 10,000 रुपए उधार लिए और अपने 6 साथियों के साथ मिलकर इंफोसिस को फाउंड किया। इंफोसिस का पहला ऑफिस नारायण मूर्ति जी के घर का पहला कमरा बना। और तो और नारायण मूर्ति जी ने अपने कई इंटरव्यूज में बताया है कि यार उस टाइम बिजनेस करना इतना डिफिकल्ट होता था कि मुझे टेलीफोन मंगवाने में 1 साल का समय लग गया था, और तो और मुझे कंप्यूटर इंपोर्ट करवाने में 2 साल लग गए थे। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी 2 साल तक बिना कंप्यूटर के कैसे चली होगी, और बिजनेस करना उस समय में कितना हार्ड रहा होगा। आज के समय में बिजनेस करना कितना इजी हो गया है ये आप देख ही सकते हो। और 1983 में उन्होंने अपनी कंपनी इंफोसिस को पुणे से बैंगलोर शिफ्ट किया। उनको यूएस मार्केट में बिजनेस करना था, लेकिन यूएस मार्केट में अपनी पहचान ना होने के कारण उन्होंने कॉट सोलमैन एसोसिएट के साथ एक जॉइंट वेंचर शुरू किया। कुछ सालों तक ये जॉइंट वेंचर बहुत अच्छे से चला, लेकिन फिर ये जॉइंट वेंचर कोलैप्स कर गया, और ऐसे समय पर इंफोसिस के फाउंडर अशोक अरोरा जी ने इंफोसिस को छोड़ दिया। जब ये बात नारायण मूर्ति जी को पता चली तब उन्होंने सारे को फाउंडर्स को बुलवाया और कहा कि देखो भाई, जिसको भी इंफोसिस छोड़नी है वो अभी के अभी छोड़ दे, लेकिन मैं यहीं पे रहूंगा और इंफोसिस का बिजनेस बढ़ाऊंगा। इस इंसिडेंट के बाद नारायण मूर्ति जी और बाकी सारे को फाउंडर्स ने इंफोसिस को चलाने में जी जान लगा दी और उनकी मेहनत रंग लाने लगी। इंफोसिस का बिजनेस धीरे धीरे बढ़ने लगा, और 1991 में जब लिबरलाइजेशन इंडिया में हुआ उसके बाद इंफोसिस की ग्रोथ काफी तेजी से होने लगी। मैं आपको बता दूं, जब 1993 में इंफोसिस का आईपीओ आया था तब इंफोसिस का रेवेन्यू था $5 मिलियन का, और इंफोसिस के पास 200 एम्प्लॉइज थे। और आज की अगर हम बात करें तो 2021 में इंफोसिस का रेवेन्यू है $16 बिलियन और उनके पास एम्प्लॉइज है 2,60,000। आप सोच सकते हो कंपनी ने कितना ज्यादा ग्रोथ किया है पिछले कुछ सालों में। और तो और नैसडैक जो कि एक अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज है, वहां पे लिस्ट होने वाली इंफोसिस इंडिया की पहली आईटी कंपनी थी। सिर्फ उधार के 10,000 रुपए से शुरू हुई इंफोसिस आज इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। और तो और इस कंपनी को ग्रो करने में श्री नारायण मूर्ति का बहुत बड़ा रोल है। अपने आईटी सेक्टर में दिए गए इतने बड़े योगदान के लिए
इंडियन गवर्नमेंट ने उनको साल 2000 में पद्मश्री और साल 2000 में पद्म विभूषण से पुरस्कृत किया है। बात करें अगर नारायण मूर्ति जी की पर्सनल लाइफ की, तो मैंने आपको आगे बता ही दिया था कि उनकी पत्नी का नाम है सुधा मूर्ति और उनसे उनके दो बच्चे भी हैं जिनका नाम है अक्षता मूर्ति और रोहन मूर्ति जी। अगर मैं बात करूं कि हम नारायण मूर्ति जी की लाइफ पे से वो एक आदत कौन सी सीख सकते हैं, तो वो आदत है सिंप्लिसिटी और अपने संस्कारों को कभी ना भूलना। मैं आपको बता दूं कि 2020 में जब उनके बेटे की शादी थी, तब उन्होंने और उनके बेटे ने न ज़्यादा तामझाम करते हुए सिर्फ एक कुर्ते में वो शादी की थी। आप बिलीव कर सकते हो कि ग्रूम जिन्होंने सिर्फ एक कुर्ते में शादी की थी और ज़्यादा तामझाम नहीं किया था। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर कोई और बिलियनर होता तो आपको पता ही है कि उसमें कितना तामझाम होता और कितनी सारी न्यूज़ बनती। और तो और 2020 की ही बात है कि श्री रतन टाटा को उनके हाथों लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलने वाला था। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने से पहले सर रतन टाटा के नारायण मूर्ति ने पांव छुए, उनसे वो गले मिले, फिर उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। मैं आपको बता दूं कि इंफोसिस की सबसे बड़ी राइवल कंपनी अगर इंडिया में कोई है तो वो है TCS, जो कि टाटा ग्रुप की कंपनी है। अपने राइवल के लिए भी मन में इतना सम्मान रखना बहुत बड़ी बात है। और उनके सर रतन टाटा के पांव छूना उनके संस्कारों को बताता है, और यही संस्कार और सिंप्लिसिटी हमें उनसे सीखनी चाहिए। आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी।